ये वीडियो एंटरप्रेन्योर करियर शाला सीरीज का हिस्सा है जो अलोहो मोरा एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ के इनिशिएटिव युवा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। इस सीरीज में आपको अलग अलग करियर सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं मिस्टर अनुराग से, जो मंजिल मिस्टिक्स के सीईओ और को-फाउंडर हैं और 350 से ज्यादा बैंड परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, साथ ही साथ वे 200 से ज्यादा एनजीओ के साथ काम भी कर चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि भैया, जब 12th कर लेंगे तो आगे करियर कैसे बनाए म्यूजिक में, और दूसरा कि अगर हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो अगर हम अभी से सिंगिंग करते हैं और हमें शाबाशी भी मिलती है, तारीफ भी मिलती है, तो हमारा मतलब कॉन्फिडेंस और कैसे लेवल ऊपर होगा? एक और मेरी स्टूडेंट थी, उसने अर्ली चाइल्डहुड में काम करना शुरू किया। एक मेरा स्टूडेंट है जिसने सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि म्यूजिक, देखो मैं तो बताऊंगा कि अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो आप कोई भी गुरु के पास जाओ या कोई भी ऐसी संस्था के पास जाओ, जैसे मंजिल मिस्टिक्स है, मंजिल है, और वहाँ जाकर आप म्यूजिक सीख सकते हो। बट अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है तो आप गांधर्व महाविद्यालय या फिर किसी भी एक प्राइवेट गुरु के पास जाके म्यूजिक सीखो। वो म्यूजिक सीखने का है, वो आपको कंटिन्यूसली करना है। बाय द वे, म्यूजिक की जो पढ़ाई होती है वो मिनिमम 8 to 10 years की होती है, डिपेंड्स आप कितना उसमें समय दे पाते हो। और अगर आप लगातार पास हो, कभी फेल ना हो, तब बहुत सारे लोग नहीं क्लियर कर पाते एक साल में। सो एक ये फॉर्मल एजुकेशन है जो आप करते रहो, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली सीखना है। बट आपको इसी चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए, आपको वो इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा जिससे आप इसको और आगे हो। आपको अगर मार्केटिंग एंड सेल्स में इंटरेस्ट है तो आप कोई बीकॉम करके एमबीए कोर्स करो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो। जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज ही हो, वो कोई और भी कोर्सेज हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं, तो आपको म्यूजिकल स्किल्स के साथ साथ बाकी और स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। बट सीखना बहुत जरूरी है। लोग एक चीज को जो अंडर एस्टिमेट करते हैं वो ये है कि लोग सीखते नहीं, उनको लगता है आई एम गुड इनफ एंड दैट्स इट। सो और आई पर्सनली फील ज्यादा काम अगर हम हमारी स्ट्रेंथ पे करें। आई गेस जो आपने बोला कि हम गाते हैं, लोग तारीफ करते हैं, आई गेस आपके सच्चे दोस्त वो हैं जो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। क्या कहते हैं, वो ये सब ना बोले यार बहुत अच्छा गाया है, वो आपको बताया यार पिछले पहले जैसे ही गाया, अच्छा गाया है, बट और बेहतर हो सकता है, और ऐसे ऐसे बेहतर हो सकता है। अपने दो फैमिली मेंबर्स और दो फ्रेंड्स से बात कीजिए और इन सवालों पर चर्चा कीजिए। पहला, आपका कौन सा इंटरेस्ट या शौक है जिससे आपको खुशी मिलती है? दूसरा, क्या आप अपने इंटरेस्ट को करियर में बदल पाए? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं? तीसरा, क्या लोगों की प्रतिक्रिया और फीडबैक ने आपके इंटरेस्ट को निखारने में मदद की? कैसे? अपना घर का चैलेंज पूरा करके हमें task@alohomora.org पर ईमेल करें। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप हमारे चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और नई नई चीजें सीखते रहें। All the best!